नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करेंगे पूरे फ्यूचर ग्रुप की। जी हाँ, पूरा जो भी अपडेट है अभी तक का उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, प्लस हम लोग 6 के 6 शेयरों के हम लोग चार्ट को देखेंगे, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे और मैं बताऊंगा कि आपको अभी इसमें क्या करना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को धैर्य के साथ अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। अगर आपके पास फ्यूचर ग्रुप का कोई भी शेयर, फ्यूचर ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर रिटेल नहीं, फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर रिटेल पे भी चर्चा करेंगे, सभी पे चर्चा करेंगे, समझ रहे हैं बात को। लेकिन उससे पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से है, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई टिप वगैरह मैं देता नहीं हूँ और ना मैं टिप पे विश्वास रखता हूँ, और उम्मीद यही करता हूँ कि आपको भी टिप पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी की भी टिप पर। और हाँ, अपने यहाँ पर जो मैं अपडेट देने जा रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर पहले ही डाल चुका हूँ, एक दो दिन पहले मैंने इसको डाल दिया था। तो जो न्यूज़ वगैरह होती है मैं यहाँ पर जनरली डाल देता हूँ, और अपने वीडियोज़ की लिंक यहाँ शेयर करता हूँ, कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्यूचर रिटेल की है पहली अपडेट, 3 अप्रैल 2023 को इन्होंने बीएससी और एनएससी को लिखा है। सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो 13वीं मीटिंग जो है कमेटी ऑफ क्रिएटर्स की होने वाली है, या यूं कहें हो चुकी है, उसके बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है। और यहाँ पर देखिए सेबी के नियम कानून है, जहाँ पर इनको बताना होता है सारा कुछ कि हाँ भैया ये मीटिंग है, ये हो रहा है, फलाना धमाका, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए 13वीं मीटिंग हुई है कमेटी ऑफ क्रिएटर्स की, इस मीटिंग में क्या हुआ है ये यहाँ पर नहीं बताया है। जैसे ही उसका कोई अपडेट आएगा आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा, और आपको पता है कि हम लोग लगातार सारा अपडेट आपके सामने लेके आ रहे हैं। फ्यूचर ग्रुप का हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहें तो उसमें जाइए, आपको कम से कम 100 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे वहाँ पर आपको फ्यूचर ग्रुप से संबंधित। वहीं दूसरा अपडेट आपको दिख रहा है FEL का। देखिए अभी सबके चार्ट हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत बुरा फंस सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए इन्होंने BSc और NSc को दोनों को लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक चीज़ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये, तो यहाँ पर इनकी पहली मीटिंग हुई है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रिएटर्स की हुई नहीं है, माफ़ कीजिएगा, होने वाली है। कब होने वाली है? 5 अप्रैल को, जी हाँ। और जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक मीटिंग हो भी चुकी होगी 5 अप्रैल को। तो इस मीटिंग में क्या हुआ, क्या होगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जब कोई अपडेट निकल के नया आएगा। दूसरा FEL की जो FD है, जिन्होंने FD का फॉर्म नहीं भरा है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, पूरा ट्यूटोरियल बनाया, आप जाके देखिए, अपना क्लेम फॉर्म जाके भर दीजिए तो आपको समय रहते ही मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप क्लेम फॉर्म नहीं भरेंगे तो पूरा पैसा आप अपना डूबा समझिए। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो पूरा ग्रुप देखिए, फ्यूचर टेल देखिए, यहाँ पर 4 अपर सर्किट फ्यूचर कंज्यूमर 10%, फ्यूचर सप्लाई चेन 5% अपर सर्किट, फ्यूचर माफ़ कीजिएगा, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन को आप देखिए चाहे तो 5% लगभग FMNL, और FEL केवल लगभग 0.2% ऊपर रहा है। बाकी आप देखेंगे तो पूरा जो ग्रुप है, पूरे ग्रुप पे अपर सर्किट रहा है। तो इसके पीछे रीज़न मैं बता दूं आपको, यहीं पर ही रीज़न कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑपरेटर गेम चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अभी स्मॉल कैप शेयरों में बहुत अच्छी खासी तेज़ी दिख रही है। यही नहीं, आप कोई भी पेनी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा तो वो अच्छा खासा भाग रहा होगा, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी पिछले 1-2 दिनों में। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ सर ऐसा है। तो लगभग 8-8, 10-10% सभी भाग रहे हैं, जो पेनी स्टॉक्स हैं जितने भी, 10 के नीचे वाले तो खास तौर से 10-10, 15% भाग रहे हैं। अजंता सोया अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए 22 रुपये से 32 रुपये लगभग पहुँच गया 3-4 दिन में, है ना। तो एक बात बता रहा हूँ जनरली, तो इसलिए आप थोड़ा सा देखिए इन सारी चीज़ों को। हम लोग बात करते हैं फ्यूचर रिटेल की। देखिए IRP की स्टेज 0 में है, IRP की स्टेज 1 में कोई शेयर तब आता है जब लगातार 6 से 7 अपर सर्किट लग जाते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कम से कम इस चीज़ पर नज़र बना के रखें कि 6-7 अपर सर्किट कब लग रहे हैं। अब ये फ्यूचर रिटेल का चार्ट है, यहाँ पर अभी आपको दूसरा अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, तो आप नज़र बना के रखेंगे, जैसे ही 4-5 अपर सर्किट होते हैं जिन्होंने यहाँ वहाँ कहीं एंट्री की है, तुरंत आप निकल जाइएगा, ठीक है, नहीं तो फंस जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अब ऊपर गया था फिर से नीचे आया, अभी यहाँ ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ से और नीचे आएगा, आपको 2 रुपये पे फिर आता हुआ देखने को मिल सकता है। ज़रा सी भी लापरवाही करेंगे आप फंस जाएंगे। जिन्होंने ऊपर ले रखा है, बार बार मैं सभी को बोलता हूँ कि किसी भी तरह की कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा इसमें मत लगाइएगा, डूब जाएगा आपका पैसा, समझ रहे हैं बात को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड की। 4.27 रुपये यहाँ पर देखिए 4.99% ऊपर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर अगर इसका चार्ट देखेंगे तो लगातार देखिए कितने अच्छे खासे दिनों से, जगह महीनों से कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़ा भागता था फिर नीचे, और यहाँ पर अब देखेंगे तो अभी फिलहाल नीचे, और यहाँ पर एक आपको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको क्लियर कर दिख जाएगा, ये देखिए, हाँ ये, तो यहाँ पर लगातार आप देखिए आज इतने बढ़िया से यहाँ पर 4 रुपये पे आके लगभग इतने सपोर्ट लिया है, और यहीं से इतने ऊपर एक मोमेंट दिखाया है। लेकिन गाइस आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अभी इसकी इंसॉल्वेंसी एडमिट नहीं हुई है, समझ रहे हैं बात को, इंसॉल्वेंसी एडमिट नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर ग्रुप में पूरे में संकट चल रहा है। 3 की एडमिट हो चुकी है, 3 बचे हैं, और 3 में फ्यूचर कंज्यूमर एक ऐसा शेयर है जिसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे ऑपरेटर्स खेल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कैसे फेक वो लगाए जाते हैं, ऑर्डर लगाए जाते हैं
आप जैसे भोले भाले रिटेलर्स को बहकाने के लिए, तो वो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। वैसे यहाँ पर अगर आप अगर एंट्री ही करना चाहते हैं, ये अभी इंसॉल्वेंसी की एडमिट नहीं हुई है, तो 4 रुपये का अच्छा सपोर्ट है, अगर आपको मिलता है फिर से तो एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप बिल्कुल फ्यूचर ग्रुप के किसी भी शेयर से दूर रहिए। आपको लगता है बहुत सस्ता मिल रहा है, इसमें एंट्री कर लेनी चाहिए, तो उतना ही पैसा लगाइएगा जितना आप तैयार रहें खोने और डूबने के लिए। अब बात करते हैं फ्यूचर सप्लाई चेन की। यहाँ पर इसकी इंसॉल्वेंसी एडमिट हो चुकी है, 12.39 रुपये का है। IRP की स्टेज 0 में चल रहा है, IRP की स्टेज 0 में चल रहा है, यानी कि रेगुलर ट्रेड हो रहा है। जैसे ही IRP की स्टेज 1 में आ जाएगा तो मंडे ट्रेड होगा और लोअर सर्किट लगने लगेगा। तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से ऑपरेटर एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे। और देखिए, अगर आपको लगता है कि यहाँ से ये एक बॉटम बन रहा है, समझ रहे हैं, कई बार एक्चुअल में क्या होता है ना, जो रिटेलर्स का एक माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हम किसी शेयर को एकदम बॉटम पे पकड़ लें और एकदम हाई से बेच दें। जो ये माइंडसेट होता है ना, ये मैं बता रहा हूँ आता सबके मन में है, कोई भी ऐसा रिटेलर या इन्वेस्टर नहीं होगा जिसके मन में ये चीज़ ना आती हो, 100% आती है। लेकिन इससे आप बच नहीं सकते, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे तो समझ लीजिए शेयर मार्केट आपके लिए नहीं है, आपको ये सोच बदलनी होगी। तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है बॉटम बन गया, नहीं, अभी ये 10 रुपये पे भी आएगा, अभी आपको ये 5 रुपये भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी एडमिट हो गई है। तो इस शेयर से तो आप बिल्कुल ही दूर रहिए, नए लोग एंट्री बनाने की कतई गलती मत करिएगा, और जिन्होंने ऊपर ले रखा है एवरेज करने की गलती कतई नहीं करेंगे, समझ रहे हैं बात को। और बाकी जिसको लगता है कि हमें एंट्री बनानी है तो भैया 10 रुपये का वेट करिए, अगर 10 रुपये पे मिलता है वहाँ से एक रिवर्सल दिखाएगा तो अच्छी बात है। और यहीं पर मैं आपको डिस्क्लेमर भी दे दूं कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इंडेक्स गाइड, है ना, वीडियोस प्योरली आपकी एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं बनाता हूं, बिल्कुल गलत हो सकता हूं, मैं साफ साफ बोलता हूं। अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड की बात करेंगे अगर आप, तो यहां पर देखिए 58 पैसे पे है अभी ये। और जैसा कि आपको पता है कि इसकी भी जो इंसॉल्वेंसी है वो एडमिट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखिए IRP की स्टेज 0, और यहाँ पर जैसे स्टेज 1 में आएगा क्या होगा, यहाँ पर आराम से मान के चलिए फिर ये इसमें मंडे ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगी। और बल्कि देखिए इसका मुझे लग रहा साइज वो कम कर दिया गया है इसका, क्योंकि देखिए अपर सर्किट जो है आज अपर सर्किट पे ही, और यहाँ पर एक अपर सर्किट, दो अपर सर्किट हो गए, तो 3, 4, 5, 6, 7, जैसे ही 7 अपर सर्किट हो जाएंगे तो ये IRP की स्टेज 1 में डाल दिया जाएगा और लोअर सर्किट लगने लगेगा। तो इसलिए जिसका अगर यहाँ पर किसी ने लिया है ना, प्रॉफिट बुक करिए और निकलिए, तुरंत निकलिएगा, समझ रहे हैं बात को। इन्होंने ऊपर ले रखा है, एवरेज करने की गलती मत करिएगा, मैं बोल रहा हूँ 50 पैसे से 20 पैसे पे भी जा सकता है, कब डिलीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, और अभी फिलहाल ये किसी भी तरह की कोई स्टेज में नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन कब आ जाएगा नो वन नोज। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लो लगाने के बाद यहाँ पर भागा था, और अभी एग्जैक्टली यहाँ पर उसी लो पे है, और अगर यहाँ से फिर अगर ये आपको मूव दिखता है ना, यहाँ तक तो नहीं दिखेगा फिर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 10 तक देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ तक देखने को मिलता है तो मैं बता रहा हूँ जो लोग फंसे हैं यहाँ ऊपर, या जिन्होंने ऊपर ले रखा है, तो निकल लीजिएगा, समझना, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, या थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि इतना लॉस मैं बियर कर सकता हूँ तो यहाँ पर बियर कर लीजिएगा। और मुझे लेकिन लगता है कि हाँ ये एक बार जाने की संभावना है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड ही है, आपको नीचे की संभावना ज़्यादा नज़र आती है कि हाँ भैया आपको 3 रुपये और 2 रुपये पे भी आता हुआ नज़र आ सकता है। आपको कैसे देखिए दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, पेनी स्टॉक है और ऐसा स्टॉक जहाँ पर इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें तो लाजमी हैं। बात करें फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड की, तो यहाँ पर ASM स्टेज 1 में है, आपको पता है एडिशनल सर्विलांस मेजर बोलते हैं ASM को, इसको मैंने एक वीडियो में अलग से सेपरेट समझाया हुआ है कि IRP स्टेज क्या है, ASM क्या है, GSM क्या है। तो कुल मिला के ये मतलब एक तरह से रिटेलर्स की भलाई के लिए होता है, यहाँ पर ऑपरेटर्स वगैरह गेम जहाँ करते हैं वहाँ पर इसको स्टेज 1 में डाल दिया जाता है ASM वगैरह की। और फ्यूचर कंज्यूमर पे अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा हो, तो जिसने वो वीडियो देखा होगा पक्का बच गया होगा, उसके पैसे नहीं फंसे होंगे, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 54 पैसे पे है, ये BSE पे है, और NSE पे देखेंगे तो लगभग 60 पैसे पे है, और यहाँ पर 3.85% ऊपर दिख रहा है। NSE पे आपको 10% का अपर सर्किट दिखा था, और 60 पैसे पे ये देखिए यहाँ पर बंद हुआ है, तो आपको 1, 2, 3 अपर सर्किट हो चुके हैं। मान के चलिए बहुत ज़्यादा अगर गया 75 पैसे तक जाएगा वहाँ से, या हो सकता है अगले ही ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि कल आपको फिर आपको नीचे आता हुआ दिख जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर्स का गेम हो रहा है। और जो आपको इतने सारे ऑर्डर दिख रहे हैं ना, वॉल्यूम दिख रहा है ना, इससे सारा फेक है, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे जो ऑर्डर हैं वो पर्चे क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपने वर्षद वर्षी वाला देखा हो, मैंने उस वीडियो में बताया था कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम जैसे जो हमारे और आप जैसे जो भोले भाले टेलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको कैसे ये लोग फंसाते हैं, कैसे ट्रैप करते हैं। तो फ्यूचर कंज्यूमर के लिए भी मैं यही बोलूँगा गाइस कि ऊपर वाले प्लीज़ एवरेज मत करिएगा, जो मेरी बात मानते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात मानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, मत करिएगा एवरेज, फंस जाएंगे। कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको सबको रिस्पॉन्स देता हूँ, आपको पता है मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, इंडिविजुअली सबको सेटिस्फाई करता हूँ कमेंट सेक्शन में, है ना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए गाइस, धन्यवाद।